चलो बच्चा आगे एक और नया सम। ये सम में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए, आपको बोला गया तीन चीज आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है, ये तीन में से कौन सी चीज है। आप बोलोगे सर इसका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या आप बोलोगे सर इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, पहला पॉइंट नो सॉल्यूशन और तीसरा पॉइंट मैनी सॉल्यूशन, इनमें से क्या है। और आगे बोला है इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। क्लियर है, चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कर लेते हैं, जो यहाँ पे आपको वो ध्यान क्या रखना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है 2x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10। मैंने पहले भी बोला था कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड है तो चलेगा, पर दोनों एक ही साइड होने चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम बोलेंगे पहले इक्वेशन के लिए a1 into x plus b1 into y is equal to c1, और सेम वे आप बोलोगे a2 x plus b2 y is equal to c2। हमें इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले हम a1 क्या है 2, a2 क्या है हमारा 4, b1 क्या है तो 1, b2 क्या है बच्चा 2, यहां तक आपको क्लियर कर देना है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे c1 is equal to है 5, c2 जो है वो 10। अब बच्चा इसमें शांति से अब क्या करेंगे, तो रेशियो ढूंढना शुरू करेंगे। तो रेशियो हमारा बहुत सिंपल है, यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से हम लिखना शुरू करते हैं a1 अपॉन a2। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 2/4, तो आंसर आएगा 1/2। सेम वे बच्चा आप बोलोगे b1 अपॉन b2 करते हैं, तो b1 अपॉन b2 जो है 1/2, और आप बोलोगे सर c1 अपॉन c2 जो हम करेंगे तो 5/10 है, हो जाएगा सॉल्व करते ही 1/2। तो ध्यान से देखो बच्चा यहाँ पे भी a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, और यहाँ पे भी 1/2, तो तीनों में 1/2 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये कंडीशन कौन सी हो रही है, तो ऐसे हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू आप बोलोगे c1 अपॉन c2। अब बच्चा इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो आपको ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि इसको बोला जाएगा जब तीनों इक्वल होंगे तो क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। कौन सा वाला बच्चा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है बच्चा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपल पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि आगे सम नहीं होगा, बस ये लिख के आपको कर देना। इसके साथ हमारा ये सम खत्म हो जाएगा प्रॉपर, बच्चा नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।